हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ रीजनिंग के बारे में, जो कि हमारा सीरीज नंबर 14 है। तो बढ़ते हैं। ये रहा आपका एनवायरनमेंट की प्रीवियस डे क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या लंदन। ओके, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी देखने के लिए मिलता है। किसका? एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। जेनेवा के अंदर आपको कौन कौन से हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है? किनका? आईटीयू, जिसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहा जाता है। इसके अलावा आपका यूएनएचसीआर, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा WHO का भी हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके अलावा आपका ILO का भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर भी देखने के लिए मिलता है। रोम रोम के अंदर फूड एंड क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। पेरिस के अंदर आपका यूनेस्को यूनेस्को की हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपका OECD, क्या है OECD, जिसका इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये सारे चीज की जो हेडक्वार्टर कहाँ आपका पेरिस के अंदर देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो लोकेट करता है आपका लंदन में, उसका काम क्या है? ये एक तरीके से देखा जाए तो ये यूएन का एक स्पेशल एजेंसी है। क्या है? यूएन का एक स्पेशल एजेंसी है। ओके, इनका काम है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग के बारे में। ओके, और ये किस लिए हेल्प करता है? एक तरीके से ये सपोर्ट करता है, इट्स सपोर्ट फॉर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल में वो क्या है, एक तरीके से काम करते हैं। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन। लुक एट द सीरीज 31, 29, 20, 24, 22 एंड 17। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? देखो, सीरीज को देखते ही हम लोग को अपने माइंड में ये आना चाहिए कि भाई ये किस पैटर्न से बना होगा। 31 से 29 इसका मतलब क्या, -2। 29 से 24 इसका मतलब क्या आ रहा है, -25। 24 से 22 इसका मतलब क्या है, -2। 22 से 17 इसका मतलब क्या आ रहा है, -5। तो ये एक तरह से पैटर्न चल रहा है, -2 -5 -2 -5। तो आगे की जो डिजिट होगा वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट होगा, -2 से। तो -2 से होगा तो क्या है, 17 से -2 करेंगे तो कितना रहेगा, 15। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 15। ऑप्शन नंबर ए 15। बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ओके, 206 और 206, 221, 251, 296, देन क्वेश्चन मार्क, देन कम टू द 431। इसमें क्या है, ऐसा एक नंबर है जो क्या है, पहले से मिसिंग है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं आप एक टोटल 200 से आ रहा है, किसमें आ रहा है, 200 से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम 200 206 से कितना जोड़ेंगे तो 221 रहेगा। इसमें हम 15 जुड़ेंगे या ऐड करेंगे तो क्या 221 होगा। 221 से 251 कैसे हो सकता है, इसमें हम कहीं ना कहीं 30 को ऐड करेंगे तो जाके क्या बनेगा, 251। 251 से 296 कैसे हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं हम क्या +45 करेंगे तो जाके होगा। 296 से आगे की जो डिजिट होगा वो लगभग क्या हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, 60 को ऐड करेंगे। क्यों 60 को ऐड करेंगे, इसको थोड़ा देखते हैं। देखो, 60 को पहले ऐड कर देते हैं,
जीरो, जीरो और सिक्स में को ऐड करेंगे, सिक्स होगा, सिक्स और नाइन को 15, वन कैरी करेंगे तो क्या है 3, 5, 6, इन दोनों के बीच में क्या है 75 की डिफरेंस होगा। क्यों होगा, देखो इसमें 15 आ रहा है, इसमें 30, इसमें 45, इसमें 60, इसमें 75, इट मीन 15, 30, 45, देन 60, देन कम टू द 75, तो इनमें हर चीज के अंदर कितने डिफरेंस है, 15 की डिफरेंस है, कितने हैं 15 की डिफरेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या 356, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी 356 इज करेक्ट आंसर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द राउंड नंबर इन द गिवन सीरीज 8, 27, 125, 343, 1381। ओके, इनमें ऐसा कौन सी डिजिट है जो क्या है गलत है, 8 है, 27 है, 125 है, 343 है, या 1381 है। इस टाइप के क्वेश्चन का जब भी देखेंगे तो पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि ये किसका क्यूब हो सकता है, या किसका स्क्वायर हो सकता है, या कितने इंक्रीज हुआ है, या कितने माइनस हुआ है। ये कहीं ना कहीं 8 है, आगे 27 है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा है, अर्थात इंक्रीज इंक्रीज देखने के लिए मिला होगा, या कुछ ना कुछ ऐड किया गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो पहले देखो ये कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब है, कितना 8, ये कितने का क्यूब है आपका 3 का क्यूब, 27, 125 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 125, इसके अलावा कितने 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो क्या है 343। इसके अलावा जो आगे का डिजिट, आइदर ये 1381 है, 1381 है, ये तो किसी का भी क्या है क्यूब नहीं है, इस जगह में कहीं ना कहीं 1331 होता, तो ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो इसमें गलत नंबर कौन सा है 1381, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 1381 इज द रॉन्ग नंबर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द लेटर सीरीज, कंप्लीट द लेटर सीरीज CUS DVT देन EWU, आगे का नंबर क्या है इसके बारे में आपको क्या है इसको सॉल्व करना है। सी का प्लेस वैल्यू क्या है 3 है, यू का प्लेस वैल्यू क्या है 21 है, एस का 19 है, डी का आपका 4 है, बी का 22 है, टी का 20 है, ई का आपका 5 है, डब्ल्यू का आपका 23 है, यू का आपका 21 है, कितना है 21 है। तो लगभग इसमें साफ साफ जाहिर दिखने के लिए मिला है 3 का 4, 4 का 5, तो आगे का जो सीरीज आएगा वो कौन सी 6, 6 मतलब क्या है एफ। ओके, देखो इसमें किसी भी ऑप्शन में आपको पहले एफ, पहले बी में भी देखने के लिए नहीं मिला है, डी में भी देखने के लिए नहीं मिला है, या सी में भी देखने के लिए नहीं मिला है, तो कहाँ मिला है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। तो फिर भी उसको प्रूव करने के लिए देखेंगे, 21 के आगे का नंबर 22 है, 22 का आगे का नंबर 23 है, 23 का आगे का नंबर होगा 24, और 24 किसका प्लेस वैल्यू होगा, किसका एक्स का। ओके, देन ये 19 है, आगे का नंबर 20, 20 के आगे का नंबर 21, 21 के आगे का नंबर होगा 22, और 22 किसका प्लेस वैल्यू है, ए है आपका बी का, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सी एफ एक्स बी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिला है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 8, 28 क्वेश्चन मार्क, देन कम टू द 65। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो पहले ये 8 है, ये 28 है, तो ना हम उस जगह में इंक्रीज करके लिखेंगे, ना कुछ अलग तरीके से उसको जोड़ेंगे, जहाँ 8 की बराबर 8 जो हो रहा है उसका 28 हो रहा है, तो ऐसे कौन से नंबर लिखेंगे जो 65 के साथ आपका है इक्वल देखने के लिए मिलेगा। तो 8 जो है वो कहीं ना कहीं आपका 2 का क्यूब, किसका 2 का क्यूब कितने होगा आपका 8 है, तो ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब, प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा आपका 28, यही है, यही हो सकता है क्या। फिर इसको इस इलाका में, इस पार्ट में भी देखते हैं, 65 किसका होगा आपका 4 का क्यूब, प्लस 1 करेंगे तो 65 है,
इसके अलावा क्या है, इसी जगह में उसकी आगे नीचे की जो नंबर है 3, 3 का कितना है, 3 का क्यूब करेंगे तो आपका 27 है, तो 27 कहीं है क्या, नहीं है, तो ये प्रोसेस क्या है, गलत होगा। तो इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, इसके 3 का क्यूब प्लस 1, इट मीन्स 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। ओके, 65 का क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 4 का क्यूब प्लस 1, इट मीन्स 65, एंड 4 का स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो 15 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको 15 देखने के लिए मिला है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, 15 होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 15। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो सिंपली जब इस टाइप की जब क्वेश्चन आता है तो आपको इस पहले इसमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, कितने प्लेसेस, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 जब होगा तो इसमें सीधे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयतन 2 की पैर कितने बनेगा, 10 ठो, 4 की पैर कितने बनेगा, 5 ठो, 5 की पैर कितने बनेगा, 4 ठो, और 10 की पैर कितने बनेगा, 2 ठो। तो इसमें आपको ए भी दिखने के लिए मिला है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो 4 लेटर से ज्यादा होगा नहीं, तो आई थिंक में क्या है, ए 4 का प्यार कितने बार बनेगा, 5 बार, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, ए इस तरीके से, तो इसमें कहीं ना कहीं हम बी सी डी, ओके बी सी ए डी, देन ए बी सी डी, दोनों में पहले में क्या आ रहा है, बी सी, और लास्ट में क्या आ रहा है आपका, ए बी। ओके, बी सी और ए बी आ चुका है, बी ए की जो आगे जो नंबर क्या हो सकता है आपका, ए सी और डी का, सी और डी, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, बी सी, ये रहा आपका बी और सी, बी सी सी डी, बी सी ए बी, कहाँ है, बी सी सी डी बी सी ए बी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसमें कौन से नंबर आप एड ऑन करेंगे तो जाके कंप्लीट सीरीज हो सकता है। ओके, 132, 156 क्वेश्चन मार्क्स, देन 210, देन 240, देन 270। देखो इस टाइप के जब नंबर आता है तो पहले इसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ये कितना एड ऑन करेंगे तो जाके 156 होगा, तो कहीं ना कहीं 4, और ये रहेगा आपका कौन सी, 20, कितना 24 है। ओके, इन दोनों के बीच अंदर कितने डिफरेंस है, ये रहेगा आपका कौन सी, 32 की डिफरेंस है, कितने 32 की, इन दोनों के बीच कितने डिफरेंस है, 30 की डिफरेंस है, 30 और 32 के अंदर कितने डिफरेंस है, 2 की डिफरेंस है, इसका मतलब ये जो दोनों जो जगह होगा इनकी तो डिफरेंस कितना बनेगा, इनकी भी डिफरेंस 2 बनेगा, तो 2 बनेगा 33 से कितना, ये 28 होगा, 28 होगा, कितना रहेगा आपका 28, तो इन दोनों में के डिफरेंस कितना बनेगा आपका, 26 होगा, कितना होगा आपका, 26 बनेगा, तो 26 बनने के लिए अर्थात 156 से कहीं ना कहीं आप 26 एड ऑन करेंगे, एड ऑन करेंगे इसका मतलब क्या होगा आपका, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी करेंगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, देन 182, क्या बना, 182, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अर्थात ये 24 है तो 26, देन 28, देन 30, देन 32, इसका मतलब क्या है, हर जगह में आपका 2 की डिफरेंस देखने के लिए मिला है। ओके, ऑप्शन नंबर बी 182 इज करेक्ट वन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड
फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में आपको जो मिसिंग जो है उसको क्या है आपको फाइंड आउट करना है। इसमें 7 है, 16 है, 34 है क्वेश्चन मार्क, देन 142, देन 286। इस टाइप के क्वेश्चन जब होगा देखो इसमें कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है। क्या है 7 × 2 + 2 इट मीन 16। 16 से क्या है 16 × 2 + 2 इट मीन 34। 34 × 2 + 2 इट मीन्स 34 × 2 होगा तो आपका क्या बनेगा 68 + 2 70। 70 × 2 + 2 इट मीन्स 142। 142 × 2 + 2 इट मीन्स 2 2 2 = 4, 4 रहेगा 6, देन 2 4 = 8, देन 2 1 = 2। तो क्या होगा इसका जो क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या बनेगा आपका, सॉरी क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या बनेगा 70। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में उसका करेक्ट आंसर है, जहां कि आपका क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या बनेगा 70 बनेगा। ओके नेक्स्ट कॉम्प्लीट द सीरीज क्वेश्चन नंबर 9। बी सी डी बी डी डी बी ई डी बी एफ डी बी जी। इस तरीके से जब क्वेश्चन होगा तो इसमें कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं क्या है इंटर रिलेट हुआ होगा। देखो बी सी डी है, बी डी डी है, बी ई डी बी एफ डी बी जी, इस तरीके से नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस की भेड़ में ये तो आ ही नहीं रहा कि बी सी डी के बाद ई आएगा एफ आएगा, इस तरीके से तो है ही नहीं। देखो इसमें क्या है आपका एक 2, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2, इसका 3, इसका 4, देन बी का 2, देन 4, 4 2, 5, 4, 2, 6, देन 4, देन ये रहेगा आपका कौन सी 2, ये रहेगा आपका 7। ओके ये बार बार आ रहा है आपका रिपीटेड 2 4 2 4, देन 2 4 आ रहा है। तो आगे का नंबर भी क्या बनेगा आपका 2 4 4 का मतलब इसमें आपका क्या बनेगा डी बनेगा पहला। तो किसी भी ऑप्शन में पहले में आपका डी आ रहा है क्या, ए में भी नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, कहाँ आ रहा है डी में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा। फिर भी हम देखते हैं कंप्लीट करके देखते हैं। 3 है तो आगे का नंबर क्या 4 है प्लस 1, 4 है तो आगे का नंबर क्या है प्लस 1 इट मीन 5, 5 है तो आगे का नंबर क्या है 6 + 1, 5 6 है तो उसके आगे का नंबर क्या है 1 + ऐड करेंगे तो 7, 7 के आगे का नंबर क्या होगा +1 करेंगे तो 8 होगा। तो 8 होगा तो प्लस वैल्यू 8 होगा तो उस जगह में क्या बनेगा आपका एच। तो क्या बनेगा डी एच इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बॉक्स के अंदर जो एक नंबर मिसिंग है जिसको आपको फाइंड आउट करके निकालना है। जैसे 4 2 1 है जिसका टोटल वैल्यू कितना है 21 है, उसी तरह 5 3 एंड 8 है जिसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 98 है, 6 7 और 3 जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्या है क्वेश्चन मार्क से देखो इसमें 4 × 2 करेंगे 8 8 + 1 करेंगे तो होगा नहीं, तो कोई एक नंबर इसमें तो आ ही नहीं रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे इसमें ऐसी जगह में। पहले देखते हैं कि 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इसका मतलब क्या आ रहा है 16 + 4 + 1 21 आ रहा है पहला एक, तो ठीक है। सेकंड वैल्यू के ऊपर जाते हैं 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर कितना है 25 + 9 + 64, 64 + 9 इट मीन 73, 73 + 5 = 78 एंड 20 = 98। ये ठीक है। देन 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इट मीन 36, देन 49 + 9, 49 + 9 = 58, 8 + 6 64, 64 + 30 इट मीन 94। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। तो ये क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या बनेगा आपका 94, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। फाइंड
फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 1 11 38 78 175 301। इनमें से जो नंबर दिया गया है, इनमें से कहीं ना कहीं कोई एक नंबर ऐसा है जो कि क्या है, गलत है। उसको निकालना, कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसे जगह में क्या करेंगे, देखो 1 से 11 करेंगे तो इसका डिफरेंसेट कितना है, 10 है। यहाँ से डिफरेंसेट करेंगे तो इसका डिफरेंसेट कितना है, 27 है। यहाँ की डिफरेंसेट कितना है आपका, 0 देन 40 है। तो इसमें 17 है, इसमें कितना है आपका, 13 है। फिर इसमें क्या है आपका, 17, अरे 78 से इसमें 175 करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपका क्या है, 7 7 आ रहा है। इसमें फिर क्या बनेगा आपका, 90। तो इसका डिफरेंसिएट कितना आ रहा है आपका, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं कितने, 57 आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। कैसे करेंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर +1, इट मींस 1 प्लस 9 +1 करेंगे तो 11 आया। ठीक है, ये आगे के नंबर के साथ देखते हैं क्या है। 11 प्लस 3 है तो आगे का नंबर क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस क्या करेंगे, 1 है तो आगे का नंबर 2 है। तो इसका मतलब क्या है, 11 प्लस 25 प्लस 2 25 प्लस 2 27, 20 प्लस 27 प्लस 11 इट मीन्स 30 ए भी ठीक है। देन 30 ए 38 प्लस 7 की स्क्वायर प्लस 2 है तो आगे का नंबर 3 होगा। 38 प्लस 49 प्लस 3 इट मीन्स 49 प्लस 3 52 52 प्लस 8 52 प्लस 8 60 60 प्लस 3 90। ओके 90, लेकिन इसमें 90 है क्या, नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, 90 प्लस 7 है तो आगे का नंबर होगा 9, 9 का स्क्वायर प्लस आपका कौन सी, 3 है तो इसमें 4। 90 प्लस 9 का स्क्वायर जो होगा 81 प्लस 4 इट मीन्स 85, 85 प्लस 90 इट मीन्स 175। तो ये टर्म कहीं ना कहीं ठीक है, तो कौन सा गलत है आपका, 78। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 78। 78 की जगह में क्या होना चाहिए आपका, 90 होता तो ये कंप्लीट सीरीज सही होता। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क के अंदर ऐसा कौन से नंबर क्या है लिखा जाए जिसमें क्या होगा, एक कंप्लीट सीरीज कहलाएगा। देखिए इसमें 5 8 5 6 3 5 4 0 5 1 9 4 8 3 4 6 3 4 6 8 है। तो इसमें क्या हो सकता है कि 5 8 से हम इसको डिफरेंशिएट दिखाएंगे या डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 8 से 3 जाएगा तो 5, देन 8 से 6 जाएगा तो 2। इसमें डिफरेंशिएट कितना है, 3 से 0 जाएगा तो 3, देन 6 से 4 जाएगा तो 2। इसका डिफरेंशिएट कितना है, 2 है। आगे के नंबर देखते हैं, इसमें 10 से 9 जाएगा तो आपका 1, इसमें 3 है तो 1, 3 से 1 माइनस करेंगे तो कितना, 2। तो इनका डिफरेंशिएट क्या है, 2 है। इन दोनों का डिफरेंशिएट देखते हैं, इनका क्या होगा, 13 से 8 जाएगा तो 5। ओके, देन 7 से 6 जाएगा तो 15। इसका मतलब क्या होगा, ये आगे की जो नंबर होगा इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 से 2 मतलब क्या है, इसमें 19, इन दोनों की डिफरेंस कितना है, 17, तो जाके यहाँ 15 होगा। तो इसमें हम 19 जब डिफरेंसिएट देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 500। देखते हैं 500 से 17 माइनस करेंगे, 483 आएगा क्या, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 500 लिखना पड़ेगा, कि जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 500। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं गलत नंबर दिया गया है जिसको आपको निकालना है। 3 है, 5 है, 13 है, 43 है, 178, 891, 5,353 है।
ऐसे कैसे क्या करेंगे जो कि 3 के आगे की नंबर 5 आएगा, 5 के आगे की नंबर 13, 13 के आगे की नंबर 43, 43 के आगे की नंबर 178, 178 के आगे की नंबर 891, 891 के आगे की नंबर 53 आएगा। देखो इसमें डिफरेंशिएट के ऊपर तो कोई बात ज्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें 8 है, इसमें फिर आपका 30 डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, जो जो 5 आएगा आगे के नंबर, तो 3 × 1 + 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 × 2 + 3 करेंगे तो कितना, 13। 13 × 3 + 4 करेंगे, 13 + 3 39, ये कितना 39 + 4 43। 43 × 4 + 5, 43 × 4 मतलब कितना रहेगा, 4 × 3 = 12 + 1, इसमें 1 कैरी करेंगे, 4 × 4 = 16, इसका मतलब क्या है, 17 + 5 करेंगे तो कितना 170, क्या 177, कितना है 177। 177 × 5 + 6 + 6, 5 × 7 = 35, 5 है, 5 × 7 = 35 + 3 8, 3 कैरी, 5 × 5 = 5 3 8 + 6 करेंगे तो कितना होगा 891। इसका मतलब ये जो 178 की प्लेस वैल्यू में आपको कितना लिखना चाहिए था, 177 होना चाहिए था, तो जाके क्या एक कंप्लीट सीरीज कह सकता है, एक कंप्लीट सीरीज हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 178, 178। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सीरीज जिसमें आपका ए जेड जी टी एम एन क्वेश्चन मार्क्स है, इसके अलावा वाई भी है। देखो ये क्या है, आप जब भी आप इस तरीके से नंबर देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस तरीके से होता है, उसका ऑपोजिट लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसका क्या ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट जेड है, बी का ऑपोजिट वाई है, सी का एक्स है। ओके, तो ए का इसमें क्या है, ए का ऑपोजिट जेड है, जी का ऑपोजिट टी है, एम का ऑपोजिट एन है, वाई का ऑपोजिट बी है, के का ऑपोजिट क्या है, एफ है क्या, नहीं, के का ऑपोजिट क्या होगा, पी होगा, तो ये गलत है। आर का ऑपोजिट क्या होगा, आई होगा, तो ए भी गलत है। एस का ऑपोजिट क्या है, एच है, हाँ ए सही है। टी इसमें और देख लेते हैं, टी का ऑपोजिट क्या होगा आपका, टी का ऑपोजिट क्या होगा, जी होगा, तो ए भी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी एस एच, क्वेश्चन जगह क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या होना चाहिए, एस एच होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सीरीज, इसमें क्या है आपका, ई जे ओ टी वाई डी आई एन एस एक्स सी एच। ओके, ई का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है, जेड का 10 है, ओ का आपका 15 है। ओके, टी का कितना है, 20 है, वाई का 25 है, डी का आपका 4 है। ओके, आई का कितना है आपका डिफरेंस, या सॉरी आई का कितना है प्लेस वैल्यू है, 9 है, देन अब एन का 14 है, देन एस का कितना है आपका, एस का 19 है, एक्स का कितना है, 24 है, सी का आपका 3 है, देन एच का है आपका 8 है, तो आगे का नंबर क्या होगा। देखो प्लेस वैल्यू के सामने आपको एक डिफरेंशिएट मिला है, क्या मिला है, 5 और 10 के बीच में कितने, 5 है, इसकी 10 और 15 के बीच में 5 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंस, 5 है, तो इन दोनों के बीच में 5 है, इन दोनों के बीच में भी 5 है, तो ये आगे चल के भी 5 हो रहा है। देखो ये 25 और 4 की डिफरेंस 5 कैसे हो रहा है, क्योंकि जो लेटर सीरीज है वो 26 अल्फाबेट है, तो 26 के बाद फिर से शुरू होगा 1 से, तो उसीलिए उसमें क्या डिफरेंस है, 5 है। इसमें भी आपको वही कहानी है, 5 डिफरेंस है, इसमें भी आपका 5 डिफरेंस है, तो आगे की नंबर जो होगा आपका 13, 13 है, देन 18 है, देन 23 है। 13 जो होगा वो किस में शुरू होगा आपका, एम, तो एम कहाँ है, ए में तो नहीं है, ए गलत होगा और डी गलत होगा। 18 कौन सा होगा, 18 की जो प्लेस वैल्यू है वो है आपका आर है, आर कहाँ है आपका,
एमपी में है तो इसका मतलब सी गलत है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी बनेगा। फिर भी देखते हैं डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, 23 की जो प्लेस वैल्यू है वो भी क्या है, डब्ल्यू है, तो एम आर डब्ल्यू इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें कंप्लीट द सीरीज के बारे में क्वेश्चन है। 1, 2, 6, 24, 120 देन कम टू द क्वेश्चन मार्क। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 240, 570, सी 720 देन डी 360। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।